नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैंकिंग नॉलेज में। इस वीडियो में जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलाना चाहते हैं या फिर अकाउंट खुला लिए हैं, आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस मिलेगी और उन सर्विस के ऊपर आपको कितना चार्ज पे करना होगा, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बैंकिंग से जुड़ी जानकारी निकल के आए सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। चलिए जानते हैं कि आपको SBI के अकाउंट फैसिलिटी के साथ क्या क्या सर्विस मिलने वाली है। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुला लिए हैं या फिर खुलाना चाहते हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ऑनलाइन खुला सकते हैं। इसके लिए आपको या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में भी जाकर के वहां से आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 0 रुपये के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलाइएगा तो आपको मिनिमम बैलेंस 200 रुपये के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आप 200 रुपये के साथ अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको उसके साथ चेकबुक की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं यदि आप 500 रुपये के साथ अकाउंट ओपन कीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिलेगी। अगर अकाउंट मेंटेनेंस की बात कर लिया जाए, यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुला लिए हैं तो आपको उनका अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। अकाउंट मेंटेनेंस के लिए आपको 1000 रुपये के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा। वहीं आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अपना अकाउंट मेंटेनेंस करना होगा, उसके लिए आपको 1000 रुपये के साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस कर सकते हैं। यदि आपके अकाउंट में 1000 या उससे कम राशि रही तो आपका उसके ऊपर कुछ चार्ज लगेगा, इसलिए आपका अकाउंट मेंटेनेंस करना अनिवार्य है। अगर ATM कार्ड की बात कर लिया जाए, आपको यदि अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको इनके साथ ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट और चेकबुक सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। आपको यही फैसिलिटी बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिलेगी, ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट और चेकबुक, आपको सारी फैसिलिटी इन दोनों बैंकों के द्वारा देखने को मिल जाएगी। चलिए जानते हैं, यदि आप ATM ले लीजिएगा तो आपको ATM के ऊपर कितना चार्ज देना होगा। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM लीजिएगा तो नॉर्मल क्लासिक या फिर रुपये ATM कार्ड के लिए, तो आप उनका ATM पहली बार अगर इशू कीजिएगा आपको उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, अर्थात आप 0 रुपये के साथ ATM को ले सकते हैं। वहीं यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM लीजिएगा रुपये ATM कार्ड फर्स्ट टाइम, तो आपको उसके ऊपर कुछ चार्ज देना होगा। वो चार्ज आपको 100 रुपया देना होगा उस ATM कार्ड को इशू करने के लिए। वो आप जब ATM कार्ड इशू कीजिएगा तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक वो ATM कार्ड के रूप में चार्ज के रूप में कार्ड आपके अकाउंट से 100 रुपया कट हो जाएगा। वहीं ATM मेंटेनेंस की बात कर लिया जाए, यदि आप 1 साल ATM यूज कर लिए हैं तो आपको अगले साल जो ATM चार्ज लगेगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 125 रुपया प्लस GST आपको उस ATM कार्ड का चार्ज देना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा अगले 1 साल पूरा होने के बाद। वहीं यदि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात किया जाए तो आपको ATM मेंटेनेंस करने चार्ज के रूप में 120 रुपया प्लस GST आपको अगले साल कट जाएगा। 1 साल जैसे उस ATM कार्ड का पूरा होगा आपका अकाउंट से 120 रुपया कट जाएगा, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। वहीं अगर SBI के ATM कार्ड अगर खो गया हो और आप उसे दूसरा ATM कार्ड लेना चाहते हैं, या फिर किसी कारण बस पुराना ATM कार्ड टूट गया हो, खो गया हो, तो आप उस ATM कार्ड को दोबारा मंगवा सकते हो। उसके मंगवाने के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 300 रुपया चार्ज देना होगा, वो आपके अकाउंट से कट हो जाएगा, फिर वो आपका अकाउंट से आपका दूसरा न्यू ATM कार्ड आपके घर पर चला आएगा। वहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का सेम कंडीशन हो गया तो आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, अर्थात आप दूसरा ATM कार्ड मंगा सकते हैं खोने की स्थिति में या फिर ATM कार्ड टूट जाने की स्थिति में, तो आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हैं, आपको आपके घर पे वो पोस्ट डिलीवर हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। यदि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की बात कर लिया जाए तो आपको इन दोनों बैंकों के द्वारा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर SBI की बात किया जाए तो आपको SBI योनो करके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन मिलेगा, जिनकी मदद से आप अपने अकाउंट का सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे कि मनी ट्रांसफ़र करने के बाद आपका सारा डिटेल जो ट्रांजैक्शन होगा वो सारा देख सकते हैं, या फिर आपके नॉमिनी में कौन ऐड है और आपके अकाउंट की कस्टमर ID और जो भी डिटेल होगा वो आपको सारा डिटेल उसमें शो हो जाएगा SBI योनो में। ये SBI का ऑफिशियल एप्लीकेशन है मोबाइल बैंकिंग के तौर पे, आप उसमें से
5 लाख तक की मनी ट्रांसफ़र एक दिन में कर सकते हैं ऑल इंडिया ओवर कहीं भी। एक दिन में आप 5 लाख तक की मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसका एप्लीकेशन एम कनेक्ट करके नाम होगा, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसकी मदद से आप अपने अकाउंट का सारा डिटेल चेक कर सकते हैं, चाहे वो चेकबुक अगर आप ऑर्डर करना चाहें या एटीएम कार्ड ऑर्डर करना चाहें तो आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। वहीं आप एक दिन में इन एप्लीकेशन के मदद से 2 लाख तक की मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि 2 लाख से ज़्यादा आप मनी ट्रांसफ़र कीजिएगा तो आपको उनके ऊपर कुछ चार्जेस पे करना होगा। तो इसमें आप 2 लाख तक की मनी ट्रांसफ़र फ्री ऑल इंडिया ओवर किसी भी बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं आप अपने अकाउंट का सारा डिटेल भी उस एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके नॉमिनी का क्या नाम है, नॉमिनी में कौन सा ऐड है, या फिर आपने अकाउंट के साथ क्या लेन देन किया, पासबुक सारा डिटेल उसमें शो हो जाएगा। आप मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं दोनों ही बैंकों के द्वारा। आपको दोनों बैंकों के द्वारा मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं आपको इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी इन दोनों बैंकों के द्वारा मिल जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट की सारा डिटेल भी चेक कर सकते हैं। और यदि कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, जहां की UPI फिर ATM कार्ड या फिर यहां इन सब साधनों से पेमेंट नहीं लिया जाता, तो आप उस कंडीशन में इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से अपना पेमेंट कटा सकते हैं। वो आपका बड़ी इजीली के साथ कट जाएगा, आपको इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी इन दोनों बैंकों के द्वारा मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आप SMS अलर्ट के बारे में। यदि आप कोई भी लेन देन कीजिएगा अपने अकाउंट के साथ, आपको उसके साथ SMS अलर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको SMS के रूप में आपको कुछ चार्जेस भी पे करना होगा, तो वो चार्ज आपको SBI में यदि आप आपका अकाउंट खुला लिए या फिर खुलाइएगा तो आपको उसके ऊपर 12 रुपया प्रत्येक 3 महीने में आपको 12 रुपये SMS चार्ज के रूप में पे करना होगा। वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा 12 रुपया प्रत्येक 3 महीने पे। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर SMS चार्ज की बात कर लिया जाए तो आपको प्रत्येक महीने में 15 रुपया प्लस GST आपको पे करना होगा। वो SMS चार्ज के रूप में आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। जब आप कोई लेन देन कीजिएगा, जैसे मनी ट्रांसफ़र या कहीं से कोई मनी आया या फिर जो भी आपने अकाउंट के साथ लेन देन कीजिएगा, तो आपको सारा नोटिफिकेशन SMS के रूप में मिलती रहेगी। या फिर आप SMS बैंकिंग के माध्यम से अपने अकाउंट बैलेंस भी चेक कर पाएंगे ये आपको कुछ चार्ज पे करके। तो आपको ये SMS अलर्ट की सुविधा भी इन दोनों बैंकों के द्वारा मिल जाएगी। अगर वहीं बात कर ले चेकबुक की, आपको चेकबुक की फैसिलिटी इन दोनों बैंकों के द्वारा मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्जेस देना होगा। चलिए जानते हैं कि आपको इस चेकबुक लेने के लिए कितना चार्ज पे करना होगा इन बैंकों को। अगर फर्स्ट टाइम आप SBI का चेकबुक लीजिएगा तो आपको 10 पेज का चेकबुक जो मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जब आप अकाउंट ओपन कीजिएगा तो। वहीं यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का फर्स्ट टाइम लीजिएगा तो आपको उसके ऊपर 130 रुपये का चार्ज देना होगा फर्स्ट टाइम चेकबुक इशू करने के लिए। लेने के लिए आपको उसके साथ 50 पेज का चेकबुक मिलेगा जिसका चार्ज होगा 130 रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर वहीं आप सेकेंड टाइम SBI में 10 पेज का चेकबुक लीजिएगा तो आपको इसके ऊपर 40 रुपये का चार्ज देना होगा, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा वो 10 पेज का चेकबुक लेने के लिए सेकेंड टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। वहीं आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर सेकेंड टाइम के लिए चेकबुक लीजिएगा, अगर 50 पेज का लीजिएगा तो फिर से आपको वही 130 रुपया पेमेंट देना होगा। यदि आप 100 पेज का लीजिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना होगा चेकबुक के लिए। वहीं यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 25 पेज का चेकबुक लीजिएगा तो आपको इसके ऊपर 75 रुपये का चार्ज पे करना होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इन दोनों बैंकों की इस प्रकार से चेकबुक की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद।